सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऐसी की ताज़ा अपडेट आई है, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी अपडेट आती है भाई हम उसका एनालाइज करके आपको स्टिक जानकारी देते हैं। तो पीछे की अपडेट देख लीजिए, तो जो चीज़ें आप हमसे पूछते हैं भाई वही चीज़ें दिखाई जाती है। किस साथी का कोई सवाल डाउट है तो पूछ लीजिए। नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को आपसे ज्वाइन करें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, जो आज की ताज़ा अपडेट आई है भाई, मुख्य मुख्य पॉइंट बताता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल आपको एनालाइज करके स्टिक जानकारी देता हूँ, पीछे आप वीडियो देखोगे आपको पता लग जाएगा। नया सीटी खाली पदों को भरने की तैयारी, 1,00,000+ नए पदों पर भर्ती कब तक करवाएगा आयोग भाई। यानी हरियाणा सरकार अगर चाहे तो 1,00,000+ जो नए पद हैं उन पे भर्ती हो सकती है, और वो कब तक हो सकती है इस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आज की सुर्खियों में जो मामला आया वो देखो भाई, खाली पदों को HKRN से भरने की तैयारी, 1 माह में 40 अधिक श्रेणियों में निकाली गई भर्ती, सरकार पहले दे चुकी है जॉब की गारंटी, नौकरी की गारंटी दे चुकी है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोटे तौर पे हरियाणा में तीन तरह के आयोग हैं, तीन तरह के डिपार्टमेंट बने हुए हैं भाई जो भर्ती करते हैं। एक तो आपका हो गया HSC, जिसको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, एक तो ये आपकी भर्ती करता है, पक्की भर्ती करता है। एक आपका HPSC होता है भाई, HPSC जिसको हरियाणा लोक सेवा आयोग बोला जाता है, वो भी आपकी पक्की भर्ती करता है, AB ग्रुप की भाई, ठीक है ना। तो जो बचता है भाई HKRN जिसको हरियाणा कौशल निगम बोलते हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपकी भर्ती आती है, इसमें आपको डायरेक्ट क्या किया जाता है, शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जाता है। एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, उसके अंदर अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट नौकरी दी जाती है। एक आयोग ये बचता है जिसके अंदर सरकार भाई बड़ी मात्रा में नौकरी निकालती है और भर्ती करती रहती है। आगामी बोला जा रहा है कि 13,500 पदों पर भर्ती आएगी HKRN में, डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जाएगा। और फिलहाल देखा जाए तो भाई सिपाही कर्मचारी के पदों पर रजिस्ट्रेशन चल भी रहे हैं, ठीक है ना। सिपाही कर्मचारी के पदों पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो चल रहा है, तो उसमें आप भाई अपना क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें होता है, वो करके पहले आप आगे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारी पक्की भर्तियों की, ये तो कौशल हो गया। पक्की भर्तियों का जो आधार है वो देखो भाई, हरियाणा में कुल स्वीकृत पद 4,50,000 पदों के मुकाबले में 2,70,000 की नियमित पदों पे भर्ती क्या है भाई, कार्यकर्त हैं जो कर्मचारी वो काम कर रहे हैं 2,70,000, समझ गए। करीब 1,80,00,000 पद खाली हैं, जितनी हमारी फैमिली ID में इनकम निर्धारित करी गई ना उतने ही पद हरियाणा में क्या है, खाली हैं भाई। 1,80,00,000 यानी 1,80,000 पद खाली, इनमें से 60,000 पदों पे भर्ती चल रही है, जबकि शेष कच्ची भर्तियां भी होंगी भाई ऐसा कहा जा रहा है। मान के चलो भाई 1,80,000 जो आपकी भर्तियों की बात है कि पद खाली हैं, 1,80,000 यानी 1,80,000 हैं, तो इसमें भाई 13,500+ कह रहे हैं कि आपकी HKRN में आएंगी, तो ये निकाल दो तो 1,00,000 तो भी बचती है ना, मैक्सिमम पक्की भर्ती 1,00,000। तो अगर सरकार 1,00,000 पद निकाल देती है तो सरकार को भी यहाँ पे अच्छा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो निकालेगी कैसे, सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है। फिलहाल सरकार के पास समय नहीं है, सरकार एक काम कर सकती है, जो नए बच्चे हैं उनको डायरेक्ट बिना CET के अंदर फार्म भरवा ले, बिना CET के अंदर क्या आप करवा ले फार्म अप्लाई करवा ले, और जो बच्चे फार्म भरेंगे उनका एग्ज़ाम ले लो, मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो भरी जाएंगी, बच्चों को भी फायदा होगा और जॉब मिल जाएगी कम समय के अंदर। तो यही टारगेट है ना कि बिना CET के तहत भाई कम टाइम दे फार्म भरने का, हफ्ता का, 5 दिन का, 10 दिन का टाइम दे के जल्दी से एग्ज़ाम की डेट नोटिस कर दे भाई, ठीक है ना। एक ये टारगेट है। और जो ये कौशल चला हुआ ना दोस्तों, कौशल में तो मैं कहता हूँ समझ में नहीं आता मामला क्या चलता है भाई, कौन लगता है कौन नहीं इस डिपार्टमेंट का भाई, मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि जो बच्चों के क्राइटेरिया बताते हैं कि सर मेरा 70 का स्कोर है, मेरा 65 का स्कोर है, फिर भी नाम नहीं आया, लेकिन पॉलिसी जो कहती है कि भाई 60 वाले का भी नाम आ सकता है, ठीक है ना, 65 वाले का भी नाम आता है, लेकिन ऐसा भाई क्योंकि अभी तक मेरे सामने तो आया नहीं। जिस भाई बहन का सिलेक्शन होता है अच्छी बात है, फार्म ज़रूर भरते रहें भाई, ट्राई करते रहें, ठीक है ना। सरकार को भाई ये चीज़ें सोचनी चाहिए, अगर एक पॉजिटिव वे में सरकार को आगे अपना भाई कुछ लेके चलना है, वरना सरकार को इसका नुकसान होगा। लंबे समय से युवा इंतजार कर रहा है, भर्तियाँ भाई पक्की भर्तियाँ कोर्ट में फंसती है और कच्ची भर्तियाँ इसके थ्रू की जा रही है, ठीक है ना।
तो भाई आप सभी के लिए ये चीज़ें रहेंगी कि जल्दी से जल्दी सरकार जो पदों का डाटा है, भाई पता ही आपको कितने पद खाली हैं हरियाणा में, बहुत पद हैं, सरकार चाहे तो कर सकती है और जल्दी से जल्दी इनका समाधान करना चाहिए। तो दोस्तों ये अपडेट मैंने आपको साझा करनी थी कि साथियों कोई सवाल डाउट रहे तो पूछ लीजिए भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।